जब पहली बार हमारी क्लास ज्वाइन जब करने के बाद हमारा लास्ट सेशन आता है और हम लोग जब उनको किट बोलते हैं तो किट बाय कुरियर जाती है क्योंकि कोई मुंबई रहता है, कोई गुजरात रहता है, तो जब किट मिलती है तो हम उनको बोलते हैं कि जब आपको डाइसेस मिलेंगे ना तो इसको आपको अभी शफल नहीं करना, पहले आपको एक प्रोसेस बताते हैं, आप इनको सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के बाद ना एक इंट्यूट करके ध्यान लगा के आप अपना कुंडली बनाओ। तो आपको जब वो कुंडली मिलता है ना तो उसमें कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस चीजें होती हैं जो क्लास में बताते हैं, क्या पता लगता है कि आपके साथ इस समय क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, तो चाहे डिप्रेशन है चाहे प्रॉब्लम है वो उस समय बता देगा कि ये स्थिति बढ़ने वाली है या घटने वाली है और कैसे जाने वाली है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। डबल डॉट्स का मतलब लाइन हो गया, सिंगल डॉट का मतलब डॉट हो, और कोई इमेजेस नहीं होते हैं, वो डॉट लाइन, डॉट लाइन से जब हम उनकी कुंडली बनाते हैं ना तब वो इमेजेस बनती है। मतलब उनकी एक एक जैसे हम बच्चे नहीं बनाते थे वो लहर के अड़ आती थी वो फेस बना दिया ऐसे बना दी, ऐसी फेसेस बनते हैं, उन फेसेस के नाम भी होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो वो मतलब कोई अगर जिनको रमल की नॉलेज है वही बता पाएंगे कि वो क्या। हाँ, सीखने तीन दिन के वर्कशॉप के बाद कोई भी बता पाएगा, लेकिन जब तक जो चीज आपको नहीं पता तो वो नहीं बता सकते। सर एक बार अगर आप हमें बता दें कि किट में भी क्या क्या चीजें होती है, आप दिखा दें अगर ऑडियंस को। ये देखिए ये हमारा रमल का किट है, बहुत सुंदर जैसे ज्वेल केस होता है बनाया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले चॉपर होता है, आपने देखा होगा है ना, कई सारे शंकर पार्वती के सीरियल में भी दिखाया गया, तो ये चॉपर होता है, इसको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग पासों को शफल करके चलते हैं। अच्छा, ये चॉपर है ना ये खाली एक पासों के लिए प्रोटोकॉल नहीं है कि उसके नीचे कुछ हमने रखना, इसके अंदर जो आप कोडिंग देख रहे हो लिखी हुई है ये चीट शीट भी है। अच्छा, चीट शीट क्या होती है? चीट शीट मतलब आप कोई भी चीज करने वाले हो तो आपको एक फर्रा मिल जाता ना। हाँ। चीट शीट फर्रे, फर्रे से याद आ गया होगा ना, छुपा के जाते थे हम। तो यहाँ पर क्या होता है ये सारी चीजों में ना देखो ये देखो लाइन डॉट और ये सब, यानी कि आपके पास जो आंसर आता है ना आपको ये रोड मैप बता देता है ये आंसर है, यानी कि अगर आपको याद भी नहीं है तो क्लाइंट को नहीं पता लगता, आप यहां से देख के उसको बता सकते हो। हाँ, एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसको चौपड़ बोलते हैं हम लोग, तो ये आपको मिलता है लाइफ लॉन्ग, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे डाइसेस होते हैं, ये ब्रास के होते हैं, पीतल, पीतल जो होता है वो जुपिटर का मेटल। ये देखिए ये जैसे लूडो का एक डाइस होता है ना पासे, वो एक ये दो ये तीन ये चार और ये पेयर में होते हैं। इसको फिर इस तरीके से एक पर्टिकुलर मतलब इसको रखने का भी एक तरीका होता है, मैं तो अभी खाली आपको बता रहा हूं, फिर आप इसको शफल करते हैं और शफल करके इसको करते हैं। अब देखिए ये रमल के डाइसिस है, तो जिनके पास ये डाइस होते हैं उससे कुंडली बनती है। बाय चांस आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आप के पास डाइसिस नहीं है तो आप ये 16 कार्ड्स होते हैं इनसे भी अपनी कुंडली बना सकते हैं। काफी भारी है। हाँ, और बहुत अच्छा, आप इसको चलेंगे तो बिल्कुल स्मूथली ये होगा। ये कार्ड्स होते हैं, ये देखिए वही लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ये डॉट समझ में आ गया होगा, तो ये 16 कार्ड्स है, इससे भी कुंडली बनती है, डाइसिस से भी कुंडली बनती है। इसके बाद हमारे पास ये 64 कार्ड्स होते हैं, ये जो मैंने आपको सेलिब्रिटी का बताया जब हम उनसे मिलने गए तो इस कार्ड ने हेल्प किया। आपके मन में आज भी कोई प्रश्न चल रहा है ना, जैसे आप ट्रेवलिंग करने वाले हो, आप कोई भी कार्ड निकालोगे ना कुछ भी और एक वेरिफिकेशन कार्ड निकालोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, आप कहोगे एग्जैक्ट वही चीजें क्रिएट हुई है जो उस कार्ड के अंदर आ रही है। और ये ऐसा कोई मेथड नहीं है जो मैंने खुद डिराइव किया है, ये सारा का सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, सिर्फ एज ए IT इंजीनियर होने के नाते, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड होने के नाते, और क्योंकि जब हमारा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया तो उसको डिकोड करके प्रेजेंटेशन बनाया ताकि हर स्टूडेंट आराम से इसको समझ सके। फिर उसके बाद एक पेंडुलम भी होता है, पेंडुलम आपने देखा होगा किसी भी एनर्जी को देखने के लिए यूज करते हैं, तो हम कार्ड्स को डायसिस की एनर्जी को चेक करने के लिए भी पेंडुलम यूज करते हैं। तो इसलिए काम आता है, ये काम आता है, तो पेंडुलम का प्रयोग कैसे होता है, पेंडुलम कैसे चलाते हैं और इसके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ये पूरा किट हमारे कोर्स का एक पार्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आज आपने भी रमल की डायसिस देखी है पहली बार। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि
आज हमारे पास बहुत अलग अलग फॉर्म की एस्ट्रोलॉजी होती है, ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से लोग अपने आंसर्स पता करवाते हैं, लेकिन जैसा रमल पे आपका ट्रस्ट है, तो क्या आप रमल को क्यों इतना एक्यूरेट मानते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे? मैंने बार बार बताया, रमल जो है ना डिवाइन का एक साइंस है, यानी कि डिवाइन उसको रूल करती है, माँ कुष्मांडा और माँ मातंगी। तो जब जब हम कभी इस सिचुएशन में फंस गए ना कि प्रश्न का उत्तर नहीं था, तब तक हम लोगों ने इस कार्ड को और यूज किया। एक छोटा सा स्टेंजा आपको बता दें, एक बहुत अच्छा दिल्ली का घराना, उनका फैमिली जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि बंटवारा जिसको बोलते हैं ना, कि ये लेंगे वो लेंगे फलां लेंगे, तो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए और वो कहते हैं कि ऐसे हम करना चाह रहे हैं, हमारे को कुछ परसेंटेज और पार्टनर कम मिल रहा है, यार इसके पीछे बंधा कौन है? देखो प्रश्न उनका ये नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कह रहे हमें कुछ लग रहा है कोई अपना ही बंदा जो है ना कुछ प्लॉटिंग कर रहा है। मैं कैसे कैसे कह सकती हूँ? कह रहा है जब भी हम कुछ नया शीट बनाते हैं और शीट के बाद कुछ उसमें अमेंडमेंट आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, पंगा पड़ रहा है। अब कुंडली से हमने सिचुएशन तो बता दी कि कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, एवरीबॉडी कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो लास्ट में हमने क्या किया, रमल को हमने यूज किया और उसकी कुंडली बनाई, तो हमने देखा कि मदर इश्यूज क्रिएट कर रही है। वो कह रहे हैं मदर तो मेरे साथ है, इनफैक्ट मदर के सिग्नेचर चलते हैं, सब कुछ चलता है। मैं कहा देखो मुझे नहीं पता यार, रमल के अंदर ना जो सबसे बड़ी इश्यूज और प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है ना, वो मदर के हाउस से आ रही है। अच्छा ये बोलते हुए भी थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, क्यों? क्योंकि सब कुछ चल रहा है। विद इन 30 days जब उनका सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब राइट ट्रांसफर हुए, मदर ने उसी समय कोर्ट में इंस्टेंट बोला बच्चे को, इसके बेटे दो पार्ट कर लो, एक मेरा और एक आपका। और उस बंदे ने वहीं से फोन किया कि सर मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा था, एक्चुअली मैं पार्ट तो भाई अगर मैं चार पार्ट कर रहा हूं तो मेरे तो चार पार्ट कम है, मेरे तो चौथे पार्ट का भी हाफ पार्ट मदर ने आज ही ले लिया। तो रमल क्या करती है, वो ना कुछ गुप्त चीजें आपको बताती है। तो वहां इसलिए मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा फैसिनेट भी रहता हूँ और इसको यूज करता हूँ। सर रमल में अगर जैसे आज मैं रमल के बारे में नहीं जानती हूँ और मैंने रमल सीखा, कल को मैं इसको कुछ महीनों बाद प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट करा है, तो एक जो बेसिक इनकम होगा वो आप क्या ले सकते हैं, मतलब क्या कितना आप कमा सकते हैं रमल से? नहीं देखिए एस्ट्रोलॉजी में इस समय मैंने आपकी स्टार्टिंग में बताया कि बहुत अच्छा है, यानी कि आज जो जिस भी फील्ड में है ना, इस फील्ड में ज्यादा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय डिमांड ज्यादा है। तो रमल को आप ऐसा मत समझिए कि खाली रमल से कमाना है, रमल जैसी विद्या जब आपके पास होती है ना, यानी कि आपके एजुकेशन में आपके स्टॉक में ऐसी विद्या है, तो ये आपकी किसी भी बिजनेस को बढ़ा सकती है। सपोज आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आपके पास 5 क्लाइंट ऐसे आ गए जब आप उनसे आंसर नहीं निकाल पा रहे तो वो क्लाइंट लूज हो जाते हैं, बल्कि आपने आंसर देके उनको एनहांस कर दिया। तो ये बढ़ा भी सकती है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी ऑकल्ट में है उनके लिए रमल, मैं तो बोलूंगा जो ऑलरेडी है उनके लिए तो लॉटरी है, जो पहली बार आ रहे हैं ना उनके लिए तो एक साइंस है, नया सीख है। अगर आप किसी भी फील्ड को जानते हो और आपने रमल की विद्या को भी साथ में लिया, चाहे आप उसको 20% ही यूज कर पाए, लेकिन ये उन चीजों में यूज होगी जब आप फेल हो रहे होंगे, तो ये बेनिफिट है। तो सर रमल चार्ट इंटरप्रेट करने का क्या प्रोसीजर है? इतना भारी भरकम प्रश्न है, सीधा। रमल चार्ट में देखो क्या होता है, पहले जब हम डाइसिस से कुंडली बनाते हैं ना, तो बाइनरी लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले बताया, बाइनरी लैंग्वेज से पूरा चार्ट बनता है। जैसे हमारी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं, 12 खाने होते हैं, रमल में 16 खानों की कुंडली बनती है। तो जैसे ही किसी का प्रश्न आता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्रश्न उससे पूछते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं। कुछ भी प्रश्न पूछो। तो सर मैं अगले 5 साल में कहाँ होंगी? हाँ, मैं 5 साल में मेरा स्टेटस कहाँ पहुंच जाएगा? हाँ। स्काई इज द लिमिट, कि मैं किस लेवल पे ना। जैसे आपने प्रश्न पूछा तो रमल शास्त्री के माइंड में ये क्वेश्चन जाता है और उसको पता होता है कि इस प्रश्न का उत्तर कौन से बॉक्स से आने वाला है। ये पहले ही पता होता है, तो ये हम सिखाते हैं क्लास में। तो ये उनका इंट्यूशन काम कर रहा है या फिर? नहीं, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। अच्छा, हमारे पास 16 हाउसेस का चार्ट बनता है, जिसको आपने कुंडली बोला ना। हाँ जी। तो हमें पता है कि वो कौन से हाउस से आपका आंसर आने वाला है। ओके। फिर अच्छा, हमने पहले क्या किया, पहले आपका जब प्रश्न पूछा तो हमें बॉक्स था। हाँ। अब उसका उत्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपके एनर्जी लेंगे डायसिस पे, फिर डायसिस को शफल करके चलेंगे, फिर वो 16 बॉक्स बनाएंगे। हमें पता है आपका आंसर कौन से बॉक्स से आने वाला,
अब वो 16 बॉक्स में जो बॉक्स आया वहां से आपका फिर उत्तर निकलेगा कि यस ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सारा कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन है। जैसे बाइनरी मैंने लास्ट में बताया कि बाइनरी लैंग्वेज काम करती है, उसी के बेस के ऊपर पूरा एक उड़ी बनता है। ठीक है सर। सर रीडिंग के दौरान जो अगर नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आती हैं तो उसको टैकल करने का या उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है? हर साइंस के अंदर जो भी ज्योतिष विद्या से संबंधित होती है ना, देखो हम बात करते हैं राहु। हाँ जी। आपने जैसे राहु बोला तो राहु एक्टिवेट तो हुआ ना। हाँ। है ना, एक आम आदमी नॉर्मल मान तो उसको बोलता ही नहीं है ना, दिनचर्या कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर राहु केतु शनि सूर्य दिन में पता नहीं कितनी बार बोलता है, और ये प्लैनेट है। तो जब जब ये एनर्जीज आपके पास आती है तो हम उसके तरीके आपको बताते हैं कैसे वॉश आउट करना है, कैसे चीजों से बाहर निकलना है, और कैसे प्रोटेक्ट करके डिवाइन का सपोर्ट लेके आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये कोर्स में पूरा का पूरा कवर करते हैं। ओके। तो सर ये काफी लोगों का क्वेश्चन था कि एक रमल एस्ट्रोलॉजर की डे टू डे लाइफ कैसी होती है, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब और... कैसे लगते हैं तो वो शकुनी जैसे तो नहीं लगते हैं तो वो जानना चाहते थे कि डे टू डे एक्टिविटीज कैसी रहती है। देखो जैसे एक डॉक्टर के पास बहुत सारी चीजें देखने का कार्ड होता है ना, ऐसी रमल एस्ट्रोलॉजी ना, जो भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उसे न्यूमरोलॉजी भी आती होगी, उसे ज्योतिष भी आता होगा, वास्तु आता होगा तो अच्छा है। लेकिन वास्तु अलग पार्ट है, बट आज क्या वास्तु भी जानते हैं आप। मैंने जैसे आपकी कुंडली देखी ना, आपके मैंने मोबाइल नंबर ठीक कर दिया, आपका नाम ठीक कर दिया, आप अगला प्रश्न पता क्या पूछोगे कि मेरे घर को भी देख लो आगे, वहां की एनर्जीज भी ठीक कर लो। तो यानी कि एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड हो गया ना। अब सपोज अब आप रूटीन मेरे क्लाइंट हो, आते रहते हो, आपने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दिया जिसका उत्तर मुझे डिवाइन से ही लेके देना पड़ेगा, तो वहां मुझे रमल ज्योतिष का रमल का सारा लेना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब रमल आपका एक ऐसा टूल बॉक्स बन जाता है, जब इस प्रकार के प्रश्न जिनके कुंडली आंसर नहीं दे सकती तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो सर अगर कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा है तो क्या वो रमल के थ्रू कोई उपाय ढूंढ सकता है? बिल्कुल ढूंढ सकता है। Okay. आप फाइनेंशियल इश्यूज की तरफ जा रहे हो। हाँ। है ना, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया कहता है कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, और मैंने एस्ट्रोलॉजी से पहले कुंडली बनाई उसकी है, मैं कहूं भैया इन्वेस्टमेंट मत करो। हाँ। लॉस हो जाए। हाँ। वो कहता है इन्वेस्टमेंट तो मुझे करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए, मतलब कि मैं ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट आप करो करो, मुझे इसलिए करना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें सामान नहीं डालूंगा तो मेरी फैक्ट्री में माल ही नहीं बनेगा। सही बात है। उसको डालना पड़ेगा। हाँ। मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि आप मत डालो। Yes. वो कह रहा है मुझे डालना पड़ेगा। हाँ। अब क्या करें, अब हम ऐसी ओपिनियन लेते हैं थ्रू रमल कि वो भी डाले नहीं डाले, या हो सकता है रमल ही गाइड कर देगा कि यार इतना डाल दो एटलीस्ट, मतलब जहां फंस जाते हो ना वहां पर उसका प्रयोग करते हो। ग्रेट। So, sir, अब ऐसी कोई टिप्स या सजेशंस जो आप किसी भी हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं टू गो थ्रू देयर गेट थ्रू देयर प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेली रूटीन पे आप चल रहे हो सपोज। हाँ। है ना, आप जा रहे हो आ रहे हो खा रहे हो पी रहे हो घूम रहे हो, आपको सडन एक हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। दो इंटरव्यू कॉल आ गए मेरे, दो इंटरव्यू कॉल, एक मुझे नोएडा जाना है एक मुझे गुड़गांव जाना, दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं, दोनों ही फॉर्च्यून 500 कंपनी, दोनों का ही पैकेज अच्छा। अब आपको लगता है मैं कहां जाऊं, ये नॉर्मल चीज है ना, सबके साथ होती रहती है, या दो रिश्ते आ गए दोनों ही लड़कियां अच्छी हैं या दोनों लड़के अच्छे हैं। हाँ। अब क्या करें, आंख बंद करके खुद ही कार्ड्स निकाल लेना या डाइस चला लेना और उसका आंसर निकाल लेना। तो किसी भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने से पहले हम उस प्रोसेस को जानना चाहते हैं ना, फिर रेमेडी होता है। Yes. तो आप प्रोसेस को रमल से निकाल सकते हैं। ओके। तो ये मतलब काफी डायरेक्ट है, काफी इजी। कोर्स तो सारे टफ होते हैं। सिखाना आर्ट होता है। ये मैं सच बोल रहा हूं। सारे कोर्स टफ होते हैं। सिखाना एक आर्ट होता है, इसीलिए टीचर का ही करना एक वैल्यू होता है। दैट इज ट्रू। हां। तो ये मेरा गारंटी है 3 दिन की वर्कशॉप के बाद मेरा नॉलेज और आपका नॉलेज तो मैच करने लगेगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया। अब आगे प्रैक्टिस जो ज्यादा करेगा ना, जिसके पास एक्सपर्टाइज ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंट ज्यादा होंगे, केस स्टडी, उसका कोडिंग ज्यादा होगा। आपने सीखा और उसको यूज नहीं किया तो आप जानते हो लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। गॉट इट। तो सर बॉलीवुड में ऐसे कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं
या अगर पॉलिटिशियंस की भी बात कर ले, बेसिकली एनी सेलिब्रिटी जिन्होंने आपसे सजेशन या कंसल्टेशन ले रखी है पास्ट में? सबने, देखो बॉलीवुड में तो मैं रमल, मैंने अभी पीछे श्रेया को बताया अभी, अच्छा, श्रेया ने प्रश्न पूछा कि कैसे कनेक्ट हुए, तो बॉलीवुड के अंदर और अच्छी लॉबी में कनेक्शन का मेरा कारण ही रमल बना था। अच्छा, मतलब रमल के थ्रू ही मेंटर हुआ। और रमल का मतलब समझो ना, आपने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दिया, बहका बहका प्रश्न भी पूछ लिया, तो रमल आंसर दे सकता है। कुंडली में क्या होता है, हमारा पूरा ना एक मैथमेटिकल सिस्टम है, ये ग्रह कब रोटेट करेगा, गोचर में कब प्लेनेट आएगा, यहाँ पर डेट ऑफ टाइम की आवश्यकता नहीं है, इस समय का चार्ट बनेगा और उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न शास्त्र बोलते हैं हम, प्रश्न शास्त्र का जो सबसे अच्छा मीडियम है ना, उसमें सर्वोपरि रमल विद्या आती। तो सर अराउंड 25-30% ऑफ इंडियंस ऐसे हैं अभी जो एजुकेटेड हैं, जो इनके पास डिग्री है पर वो फिर भी अनएम्प्लॉयड है, तो अगर कोई रमल एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उनके पास कोई डिग्री होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो उनके लिए स्कोप कितना ज्यादा है टू मेक मनी इन दिस करियर? आज से 100 साल पहले ना किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि टैबलेट आएगी इतनी सी, ऐसे खाएंगे सर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो हमारी आवश्यकता होती है ना, क्या ना आविष्कार जननी है ना, तो धीरे धीरे जब साइंस ने तरक्की करी चीजें बनती गई। आफ्टर कोविड एक बेनिफिट ये हुआ है कि हमारी पूरी इंडिया क्या वर्ल्ड क्या सब डिजिटल में कन्वर्ट हो गए सब। पहले एस्ट्रोलॉजर ढूंढने से भी नहीं मिलते थे, ये विश्वास कीजिएगा, कोई बताता था फलानी जगह पे बंदा बैठा हुआ बड़ा अच्छा है, उसने मेरी कुंडली देखी थी, आप दिखा देना। अब आप गाड़ी चलाओ ऐसे बोर्ड देखो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी वास्तु, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है ये, ये क्यों हुआ, क्योंकि अब मार्केट प्लेस बन गया है, इजी हो गया है, बायर सेलर मिलने लग गए हैं। तो जब ये कंसेप्ट आता है ना, तो मार्केट के अंदर सप्लाई जनरेट करनी पड़ती है क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है। तो आप इसको पार्ट टाइम, आप इसको फुल टाइम आराम से इसको अपने करियर में एड ऑन कर सकते हैं, और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, उनके वहां भीड़ देख लो, उनका कैलकुलेशन लगा लो, पता लग जाएगा कि आपकी सैलरी आपकी इनकम से ज्यादा अच्छा कमा रहा है। तो उनको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है? नहीं, डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर किसी को बेवकूफ बना के आपने बता भी दिया तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आने वाला। ये तो सच है। तो मेरे स्टूडेंट्स को मेरा एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है कि AMC टेक्निक पे काम करो। कैसे? आपके पास नया क्लाइंट आ रहा है और पुराना क्लाइंट आ रहा है, नए को बोलो भी टाइम नहीं, लेकिन पुराने वाले पे ध्यान दो, क्योंकि वो आपका AMC है, बिना मेहनत के रिपीट हो रहा है। तो आपको नॉलेज तो है, आपको चार्ट देखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना, प्रोसेस सीख लीजिए, कंसेप्ट सीख लीजिए, उसको अभ्यास कीजिए, कई जगह चलाइए, फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है आपकी चीजें चलने लगती है, बनने लगती है। तो सर कोई ऐसा बंदा जो सीखना चाहता हो रमल एस्ट्रोलॉजी, तो उसको आप एक ऐसी क्या टिप देना चाहेंगे विच दैट पर्सन शुड फॉलो टू यू नो लर्न एज Well as possible. देखो, अगर तो आप इंटेलिजेंट हो तो कुछ भी सीख सकते हैं। IT वाले बंदे बहुत लॉजिकल होते हैं, वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, मैं भी था ऐसा, लेकिन जब लॉजिक मिलने लगे हर चीज के तो इतना बिलीव हो गया कि उसको डिकोड करके साइंस ही बड़ा अच्छा क्रिएट कर दिया। दूसरा कौन सीख सकता है? जो भी बहका बहका रहता हो, जिसका मन अशांत रहता हो, जो एंग्जाइटी ज्यादा लेता हो, जो डिप्रेशन ज्यादा लेता हो, और रियल कैंडिडेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी को सीखने के। आपको सुनकर हैरानी हुई? हाँ, मैं तो हैरान हूँ। देखो, आप अगर डिप्रेस, कोई भी डिप्रेसिव है, मैं नहीं कहूंगा कोई, अच्छा मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि डिप्रेशन आपको तो पता ही होगा, मैं तो मुझे नहीं पता क्या होता है, जिसको पता वही बताएगा। लेकिन जितना हमें पता है, डिप्रेसिव आदमी अपने मन में बड़ी सारी प्लॉटिंग करता है, सोचता है, वो तो है, कोई विचार सोचता है, क्या सोचता है, उसका भी काम क्या बहकना, ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मैं फिकरचंद बन जाऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा। एस्ट्रोलॉजर क्या करता? आपके पास कोई व्यक्ति आया अपनी प्रॉब्लम को लेके आया, आप ऐसे बैठ गए उसका राउ ढूंढने के लिए, केतु, आप भी तो वही कर रहे हो, आप लॉजिकल वे में शास्त्रों की नॉलेज के अकॉर्डिंग कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो, तो आपके डिप्रेशन की एंजाइटी की काट होगी। कैसे? ईश्वर ने बोला है कि मैंने ना एग्जाम्पल ए पर्सन को एक दिन में 2 घंटे प्रॉब्लम में रखना, और उसकी लाइफ स्पैन है 65 ईयर्स की। अच्छा, तो जब 2 आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा इतना टाइम उसने परेशान रहना। हाँ। ये टाइम कैसे पता लगेगा? ये ज्योतिषी बता देगा कि ये दशा खराब आने वाली, इस समय वो परेशान होने वाला है।
एक स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर पता है क्या बोलेगा, अभी रोज 2 घंटे परेशान हो जाना कैसे, अपनी परेशानी से परेशान मत हो, दूसरों की परेशानी से परेशान हो जाओ, प्लेनेट को लग रहा है परेशान। ये रिवर्स थेरेपी काम करती है। कैसे बताता हूँ, आप किसी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाओ, एक नर्स डॉक्टर बेचारे बच्चे को हील कर रहे हैं, आप जब देखोगे ना तो आपको जीने का मोह खत्म हो जाएगा कि कैसी कैसी परेशानी है, किसी की टांग नहीं चल रही, किसी का हाथ नहीं चल रहा। उस समय आपको मर्सिडीज के, पोर्शे के, सब चीजों के तानिश के सपने नहीं आएंगे। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, अपने आप को उसी माहौल में एडजस्ट कर दिया। तो जो बहुत डिप्रेशन में रहता है, जिसको बहुत एंग्जाइटी को एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, डिप्रेशन को ज्यादा बोलूंगा, उनके लिए तो एस्ट्रोलॉजी का लाइन बहुत अच्छा है। और उसमें भी रमल विद्या जो चलती वाक सिद्ध के ऊपर है, डिवाइन के ऊपर है, अमेजिंग। गॉट इट सर। तो सर, इतने लोग जो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो उनके मोस्टली कॉमन सवाल क्या होते होंगे आपसे? सबसे पहला प्रश्न होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, करना आज की डेट में। तो पहले शादियां होती थी, अब शादी से फ्री बिल, शादी से फ्री बिल, करनी है तो कर लो, नहीं करनी कर लो। फादर मदर की आज की डेट में जरूरत नहीं है, उन्हें भी इनविटेशन कार्ड चला जाता है, जमाना चेंज हो गया ना। लेकिन करियर, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, छोटा सा 12वीं क्लास का बच्चा, मैं छोटा सा बोल रहा हूँ हमारी क्लास के बच्चे, उससे पूछ लो, वो कह बहुत परेशान हूँ, क्यों करियर? तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं करियर के लिए। और एक एस्ट्रोलॉजर, मेरी बात को फिर ध्यान रखना, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, अगर वो आपको ये बता दे कि आपको कौन सा लाइन सूट करता है, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मैं बार बार अच्छा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लाइन इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है, सब शास्त्रों के, किसी ने खुद कुछ नहीं निकाला। हम कभी कुछ रिसर्च नहीं करते, हम रिसर्च करते हैं, यानी कि दोबारा से सर्च करते हैं। तो सर, ये आप उनकी कुंडली स्टडी करके बता पाएंगे ना कि कौन सा करियर लाइन उनके लिए अच्छा है? वही मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस में करियर लाइन कौन सा अच्छा है। फिर बाय चांस आप बिजनेस कर रहे हो और आपके आने वाले 6 मंथ अच्छे नहीं और आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करना है, तो एस्ट्रोलॉजर ने गाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो कितना अच्छा सेफ गार्ड कर दिया आपको, बच गए ना। तो पहला क्वेश्चन आज करियर का ही है। फिर आज हैरान हो जाओगे आप, लिटिगेशन बहुत इन्वॉल्व हो गया है, मतलब लिटिगेशन के केसेस ज्यादा आने लगे हैं शादियों से भी ज्यादा, क्योंकि छोटी सी बात होती है लिटिगेशन में, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कोई, चार्टेड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स भी बढ़ने लग गए ना जीएसटी के बाद, तो लिटिगेशन भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल बन गया। अच्छा होता कि जब, क्योंकि मेरे पास कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा है, तो कॉर्पोरेट्स की इश्यू दो होते हैं, एक तो बिजनेस फंडिंग और लिटिगेशन, फिर उसके बाद हमारा जो सबसे लाइवली चलता है शादी, अफेयर, लव मैरिज, चाइल्ड बर्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। देखो चाइल्ड बर्थ के लिए भी हमने क्या किया, आपको बहुत सारे ना उपाय मिलेंगे, उपाय में क्या होता है, ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ये गलत है, हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं पहले शिया के साथ। उपाय तभी करना होता है जब हमारे को कुंडली में कुछ रीडिंग्स में पता लगता है कि इश्यूज है। तो चाइल्ड बर्थ का हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, आप देखना, जिनको चाइल्ड बर्थ को, बर्थ का इश्यू है ना, वो वीडियो देखने के बाद उसको पता क्या लगेगा कि यस, हम कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हर हाउस के ना बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, कई बार एक एट्रीब्यूट काम नहीं करता तो दूसरे एट्रीब्यूट को हम आर्टिफिशियली ऑप्ट कर लेते हैं, यानी कि रेमेडीज भी आपको बनानी आनी चाहिए। सही बात। खाली नारियल बहाना, दही बहाना, इनसे काम नहीं चलेगा, ठीक है इनका प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन रेमेडीज बनानी भी आपको आनी चाहिए। तो रमल में ऑब्वियसली जो लोग दूसरी रेमेडीज को भी जानते हैं, हम उसको कनेक्ट करके बताएंगे। गॉट इट सर। तो सर, आप इतने सारे सक्सेसफुल लोगों से, पर्सनालिटी से मिल चुके होंगे अभी तक, एंड आपका खुद का इतना एक्सपीरियंस रहा है टू हेल्प देम आउट इन लाइफ, इन करियर, इन सो मेनी एस्पेक्ट्स, तो सर उनके डेट ऑफ बर्थ और कैरेक्टर के अलावा बेसिकली आपने क्या ऐसा कॉमन ट्रेट देखा है विच मेक्स देम सक्सेसफुल? मेरे हर वीडियो में आपको मिल जाएगा, और हर जो भी मेरे को जानता है ना, वो जानता है, स्टूडेंट्स जानता है, यहाँ भी बताते हैं 10 और 11 टेंथ हाउस जो होता है ना आपका, होता है सक्सेस का गेन, मतलब गेन 11th हाउस है, 10th हाउस फेम स्टेटस, जिसकी भी कुंडली में 10 और 11 के कॉम्बिनेशन है उसकी तो बल्ले बल्ले है। अच्छा। और जिसकी भी कुंडली में 6, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन है वो थल्ले थल्ले है, यानी कि उसको डाउनफॉल देखना ही पड़ेगा। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलते हैं उनके चार्ट में 10, 11 का कॉम्बिनेशन मिलता है, चाहे वो रमन विद्या हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, लेकिन सिर्फ उनको देखने का तरीका अलग अलग बन जाता है।
तो सर क्या रमल एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग एक ऐसा करियर है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस मिल सकता है या फिर ये काफी हेक्टिक रहता है? कोई भी ज्योतिष की विद्या जो होगी ना वो हेक्टिक रहेगी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को आप ले रहे हो, है ना। लेकिन आप सोचो कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हो और लोगों की प्रॉब्लम लेके आप बिजी हो, तो कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा? लोगों की प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम ही नहीं प्रॉब्लम ही नहीं। आप जितना टाइम लोगों की प्रॉब्लम्स को देख रहे हो ना, हाँ। आपकी कुंडली के भाग्य से उतना टाइम कट होता जा रहा है आपका नेगेटिव वाला। सही बात है। बदले में आपको साथ में क्या मिल रहे हैं? पैसे। हाँ। क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आपका रिटर्न है। तो अगर आप दुखी आत्मा हो, हाँ, तो परेशान हो, तो मैं सच बता रहा हूं ज्योतिष आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आपको अच्छा फॉर्मूला भी बताता हूं। जिनकी भी कुंडली में चंद्र ग्रहण होता है ना, हाँ। चंद्र केतु और चंद्र राहु, वो कहते हैं वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारी बॉडी में 70% वाटर है, हाँ। और चंद्रमा और फ्लक्चुएट होता है, हाँ, है 15 दिन ऊपर 15 नीचे, ज्वार भाटा आता है तब भी प्रॉब्लम होता है। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा खराब है ना, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। कैसे? जिनका चंद्रमा अच्छा है वो राइटर होगा, वो लिखता होगा, वो गाने लिखता होगा, क्रिएटिव होगा। और जिनका चंद्रमा वीकर होता है ना, वो भयंकर भयंकर चीजें सोच लेते हैं, कैसे सुसाइड करना, कैसे क्या करना, नेगेटिव सोच रहे हैं ना। हाँ। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हो ना, तो आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। ओके। तो नेगेटिव जिनका चंद्रमा, उनके लिए तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा है। तो सोचो माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है सर। तो सर रमल एस्ट्रोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या रोल है? मतलब अगर कोई स्कोप है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की, तो वो हम कैसे कर रहे हैं अभी? रमल की जब पुरानी बुक्स देखी ना हमने, हाँ। तो उसमें उर्दू में लिखा हुआ था, कुछ में अरबी लैंग्वेज में लिखा हुआ, जो बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगी। हाँ। आप संस्कृति समझ में नहीं आएगी तो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती। हमने जब उसको डिकोड किया, हम काफी लोगों से भी मिले, हमने एक ऐसा किट बना दिया कि इस किट के अंदर सारे चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। और लास्ट में आपको बताएं, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं, तो हमने टूल भी डेवलप कर दिया है, यानी कि आप किसी क्लाइंट से जब बात करोगे ना, तो बात करने के साथ 1 मिनट के अंदर पूरी कैलकुलेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट कर लो। अच्छा। सिर्फ एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। तो जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है, वो हम ऑलरेडी इसमें करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। ओके। तो सर ये काफी लोगों का क्वेश्चन था हमसे कि रमल एस्ट्रोलॉजी की फ्यूचर में कितनी रेलेवेंस है, और जिस हिसाब से रेलेवेंस है उस हिसाब से जो एग्जिस्टिंग कोचेस है रमल के, उनको किस हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को? मैंने ये बताया पहले भी कि आप किसी भी विद्या को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रमल अगर आपके पास है तो आपके उस नॉलेज का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा। और आपका जो फेलियर ट्रैक होता है ना, यानी कि कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजी क्या है, वो छोटा छोटा साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, वास्तु फंडामेंटल साइंस, वास्तु में के नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ फंडामेंटल साइंस, वहां फंडामेंटल जाते हैं। ज्योतिष में के रहस्य हैं, छुपे हुए रहस्य। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर की अलाइनमेंट करनी है। रमल विद्या क्या करती है, इन सबके अंदर जो फेलियर आता है ना, यानी कि जिस कुंडली को जिस डेट ऑफ बर्थ को नहीं ट्रैक कर पा रहे, वहां से आंसर निकाल देता है। तो फिर आपको बताते हैं किसी भी प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने की कला रमल के पास सर्वोपरि। तो सर रमल ऑफ कोर्स बिल्कुल डिफरेंट साइंस है, और कल्ट के अंदर आई थिंक 99% लोगों को शायद पता भी नहीं है इसके बारे में। ब्रीफली अपनी जर्नी बताइए कि आपकी रमल में एंट्री कैसे हुई, और आपने कब सोचा कि रमल आपको परस्यू करना है? रमल में जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशन करते हैं जी, न्यूमरोलॉजी में भी करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जब कुंडली रिस्पॉन्ड नहीं करती है, यानी कि आपकी रियल लाइफ और आपका कुंडली मैच नहीं करता। वो बताता है कि आप धनवान बनने वाले, कुंडली कहती है आपके अंदर पैसे नहीं है। तो रमल विद्या ऐसी है जो गुप्त सूत्र को खोज के रहस्यमय तरीके से बताती है। okay. तो जब इसके बारे में पता लगा तो बहुत जर्नी करी, तो केरला के अंदर हमारे एक गुरु जी हैं जिनसे हमें इस ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, वी राजू करके हैं साजन जी, तो उनसे हमें रमल ज्योतिष के बारे में पता लगा, डाइसिस के बारे पता लगा, फिर एज ए आईटी इंजीनियर आपको पता डिकोड विकोड करके उस सारी चीज हमने निकाल डाली। अगर अज्यूम किया जाए तो आज की डेट में जो लोग ऑकल्ट को किसी भी फॉर्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों की संख्या नाना करते हुए भी 20 लाख से ऊपर है, कम से कम मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही मिनिमम। इसमें आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से रमल की साइंस का एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि सप्लाई नहीं है,
तो डिमांड का पता नहीं है, पर अपने हिसाब से थोड़ा सा बताइए कि रमल का फ्यूचर आपको कैसा दिखता है फॉर अ प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू। रमल ज्योतिष जो है ना, इसके जो मेथड्स हैं, इसका जो फॉर्मूला है, ये किसी भी प्रकार की ऑकल्ट साइंस विद्या को यूज करने वाले के लिए लॉटरी। अगर आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आपकी न्यूमरोलॉजी का स्केल बढ़ा देगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, उसका स्केल बढ़ा देगी। यानी कि जहां पर आप फेलियर होते हो ना, वहां ये विद्या आपको प्रोटेक्ट करके आंसर दे देती है, कैटलिस्ट की तरह है। तो इंडिविजुअल तो कर ही सकते हो, और आपकी चीजें, मतलब अर्जुन के गांडीव में और तरकश में जो बाण होते थे ना, तो ये उनमें ब्रह्मास्त्र है। जबरदस्त।